यार इतना है कि ये मैं तो कहता हूँ ये डायलॉग निकाल दो। बात सुनो की कर रहे हो बस च चढ़िया सीट नहीं मिली फिर मैं इंजन च बह के आया। क्या कह रहे आप जो सोशल इशू आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं वो है फकीर और इनकी इकसाम। तो हमारे साथ स्टूडियो में कुछ फकीर हजरात मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये इस काले धंधे में कब से मुलव्विस हैं। तो जी जनाब पहले आप बताइए आप कब से नवीन है? रात ये ना सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे हैं। सुबह 11 बजे से लेके सर शाम 6 बजे की कह रहे थे? ओ मैं दसना थानू ए असल च नीम थत्ता, मैं दसना थानू ए असल च नीम थत्ता हैगा। मेरा 5 साल तो नबीना वा जनाब, ते मैं वेल्डिंग दा कारोबार सी, मैं अपने काम दा बड़ा माहिर सी। एक दिन गलती ना मैं अपने दोस्त नाल शर्त ला बैठा कि आज अखर नाल वेल्डिंग करेगा। ओ चुप कर टुंडिया, ए नहीं सी मैं जनाब, शर्त ए सी कि मैं 10 टोच लाने सन लोहे नु, ओ भी ऐनक तो बगैर। दूसरे मेहमान से पूछते हैं क्या मजबूरी बनी हुई जो इस काम के अंदर क्या ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਦੁੱਖ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਨਕੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਨੋਟ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕਲ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। तो मैं अपने तीसरे मेहमान से पूछना चाहूंगा उनको यहाँ तक आने में किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। देखो जी मुश्किल तो सारे नु आंदियां ने, मैं जदे सवेरे निहार मुंह उठिया ना ते सारे निहार मुंह उठते ने, सवेरे सारे कान भी उठते ने निहार मुंह उठिया ताडी किने मेरी मौकी होए ते मैं गल करा। हां जी करो। हां जी ते मैं जी जदों सवेरे नहाण वास्ते बाथरूम च वड़िया पानी नहीं सी आ रहा, बाहर निकल के कपड़े इस्त्री करन लगा बत्ती नहीं सी आ रही, फिर मैं इधर आने बस च चढ़िया सीट नहीं मिली, फिर मैं इंजन च बह के आया। ये क्या कह रहे हैं आप? होर मैं की कहां तुहाडा सवाल ही पुठा जाएगा। ए पुछो कि मैं की एहो जी हरकत कीती सी जिदी वजह तों मेरी बांह गायब हो गई, ए सवाल हुंदा है। तो बिल खुद ही बता दें आप। हुण सुनी जाओ चुप करके, जदों ए तुहानूं पता है पिछले साल जलजला आया सी, जदों जलजला आया सी साडे मकान दी छत डिग गई। साडा हैगा सी इक मरले दा मकान, उत्तों हैगी सी उहदी कच्ची छत, उह डिग गई ऐ, सारे घर ले मुतासर हो गए, अब्बा ही थोड़े ज्यादा हो गए, दुनिया तों टुर गए। मैं उस तों घट होया, मेरी बांह चली गई, तो मेरे जो बाकी घर वाले मेरे तो भी घट मुतासर हुए, तो उन्होंने सिर्फ खराशा आईया, तो मैं कमान का सिर्फ कला जरिया से। मैं जनाब बड़ा परेशान, तो मैंने एक दिन एक किनमिन मिल गया, इन्हें कहा तू सिर्फ इशारियां से खलो के मंगना है, बल्कि मंगना भी नहीं, तेरी बांह हवा ना तेरी बांह उड़ेगी तो रोके तेन पैसे फड़ा देंगे। तो ये तो दादी आपने अपनी कहानी, मेरा आप तीनों से ये सवाल, इस काम के अंदर रहते हुए कितना कमा लेते हैं? तो आइए आपसे स्टार्ट करते हैं जी। असल सारी हवाई रोजी होती है, असल सारी हवाई रोजी होती है, असं जो मंगना शुरू कर रहे हैं, इशारियां तो मंगना शुरू कर रहे हैं, साड़ी चंगी पली दिहाड़ी लग जाती है। उधरों जो उधरों गलबात ना बने तो असं रोडा के लोगों को मंगने, जो उधरों भी गल ना बने तो असं गली महल मंगने, तो शुक्र अलहमदुल्ला महीने का 10-15,000 रुपया कमा लें।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 10-15 ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 20-25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਟੁੰਡੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜੀ 20-25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ 10-15 20-25 10-15 20-25 ਜਨਾਬ 10-15K ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਪੋੜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ 20-25 ਕਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਤ ਅਮਾਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10-15 20-25 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਨਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਹੈਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 30-35 ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਵੀ ਆਪਕੇ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਬਕਦੂਤ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਅਰੇ ਬਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਚੱਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂੰਗਾ तो जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा कैसे लोगों के चेहरे बेनकाब हुए लोग कैसे अपने चेहरे पर मुफलसी और गुर्बत का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं एक लम्हे के लिए तो मुझे भी लगा कि ये लोग हकदार इंसान हैं तो आइए इन लोगों से पूछते हैं ये होर ट्रैक्टर कैसे बखूबी अंदाज में निभा लेते हैं अस्सलामुअलैकुम भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ भाई मेरी एक माँ एक बाप पांच भाई हैं यार मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ अल्लाह आपको भला करे भाई प्लीज जी आप मैं नहीं तड़ी सी मेरी और तुसी कर लो तुसी करो करो बारी बारी आओगे लाइन से कर या अल्लाह या वाक अल्लाह भाई लगे नाम भी बदल गया दो या अल्लाह तो जी जनाब आप मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है और मेरी रिसर्च के मुताबिक आप लोग चोरी शिकारी और डकैती वगैरह के मामला में भी मुलव्वस है और आप लोग अकेले नहीं बल्कि आप लोगों के साथ पुलिस इस काम में आप लोगों का साथ देती है मजबूरी पिछे बहुत वड्डा हक है जो छड्डन की कोशिश करने पिछे धमकियां मिलदी है जे असी छड़ दांगे ते सानू मार देंगे जे असी पीछे हटांगे फिर भी सानू मार देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ते जनाब फायदा कोई नहीं है इस तो अलावा असी जे पुलिस दे कोल भी जाइए ते सानू पता है कि पैसा उन्होंने भी लाया उन्होंने ते पुलिस दे नाल सारे स्टेशन पुलिस स्टेशन ने दे नाल सर मुलव्वस होंदे हां जी ते आ गल है सर तो जब आप लोगों को सब कुछ ये सहना पड़ता है इसमें ना कोई आप लोगों के लिए इज्जत है ना मुआशरे में कोई अलग दर्जे का मुकाम है तो आप लोग क्यों नहीं कोई हुनर सीख के मुआशरे में इज्जत के साथ कोई अपनी इज्जत की रोटी क्यों नहीं कमा लेते आप लोग सर जी सानू भी ये देखो है कोई काम करने का शौक नहीं असी इतनी मजबूरी से काम करने हैं साढ़े हालात ते माशरे ते लोगां दी गल्लां ते ताने सुन सुन के असी बहुत तंग आ चुके हैं सानू कोई इज्जत नहीं देता माशरे च साडा कोई मकान नहीं सानू लोग इंसान नहीं समझदे तरह तरह के ताने दिंदे ने क्या असी इंसान नहीं साडे सीने च दिल नहीं साडा कोई आला रोटी खाण नू दिल नहीं करदा असी साडा नहीं दिल करदा कि असी कपड़े पाइए बाहर जाइए साडी कोई अपनी जरूरत नहीं साडा नहीं दिल करदा साडा घर होवे हैं असी की गरीब हां साडा है कसूर है असी झोंपड़ियां च रहने हां साडे कोल बाथरूम नहीं गया कसूर है साडा की करिए असी तो आप लोगों की बातें अपनी जगह बिल्कुल बुझे और मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस करप्ट माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाए और इन गरीब लोगों को कोई हुनरमंद मौके फराहम किए जाए ताकि अपना रोजगार चला सकें और अगर आप इन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जस्टिस फॉर बैगर्स लिखें ताकि इन लोगों की आवाज़ बन सके और इन लोगों को मुआशरे में आला मुकाम मिल सके।
आज के लिए बस इतना ही। सोशल टॉक्स में किसी नए दिन किसी नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।